नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी हाउस में। पिछले वीडियो में हमने कवर करे थे गुरु, शनि, सूर्य, बुध, शुक्र, ये माउंट्स हमने कवर किए थे और साथ में हमने कवर किया था मंगल। ये 6 माउंट्स हमने कवर किए थे। अब आज के इस वीडियो में हम करेंगे सेकंड सीरीज में चंद्रमा, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो, राहु, केतु। तो हम इसके लिए पहले हम जानेंगे कि हाथ में ये कहाँ पर होते हैं। देखिए इस तरह से हम सब ने पढ़ा कि अब तक कि चंद्रमा ये पोर्शन होता है इस तरह से, लेकिन हमने ये देखी कि ये देखिए मंगल होता है, ये मंगल, ये होता है मंगल। यहाँ पर छोटा सा होता है हमारा हर्षल। देखिए H फॉर हर्षल कर देते हैं, हिंदी में लिखना थोड़ा कठिन रहेगा इसलिए मैं इंग्लिश में H हर्षल के लिए बना देती हूँ। ऐसे ही यहाँ पर होता है नेपच्यून, N फॉर नेपच्यून इस तरह से। और ये जो मिडिल एरिया है ये कहलाता है प्लूटो, देखिए इस तरह से प्लूटो। और यहाँ पर होता है, देखिए ये अगर हम देखें भाग्य रेखा इस तरह से जब चलती है तो ये पोर्शन हमारा होता है राहु का पोर्शन, R फॉर राहु। और यहाँ पर हमारा केतु का रीजन होता है तो K फॉर केतु, इस तरह से ये आप नोट डाउन कर लें। तो ये हमारे कुछ, और ये पोर्शन हमारा होता है चंद्रमा, ये जो हमारा ये आ रहा है ये पोर्शन चंद्रमा, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं चंद्रमा इस तरह से चंद्रमा। तो ये हमारे हाथ में जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम इनको याद करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे एक एक सीरीज पर, जैसे कि चंद्रमा हमारा माउंट विकसित है या नहीं, और विकसित है यानी कि डेवलप्ड, सेमी डेवलप्ड, ओवर डेवलप्ड, इसी तरह से विकसित, अविकसित या दबा हुआ। तो देखिए आइए समझते हैं, जो चंद्रमा है मनुष्य का सबसे निकटतम ग्रह होता है, इसमें इसका प्रभाव मनुष्य पर बहुत अधिक पड़ता है और ये सुंदरता और कल्पना का प्रतीक होता है। ये हथेली में देखिए इधर होता है, जैसे कि मैंने बताया इस तरह से हम इसको चंद्रमा को देखते हैं। यहाँ से चंद्रमा आयु रेखा की जैसे बाई ओर से शुरू होता है और मणिबंध तक ऊपर और नेपच्यून क्षेत्र के नीचे, जैसे मैंने बताया था नेपच्यून क्षेत्र यहाँ होता है उसके नीचे से शुरू होता है, तो ये चंद्र पर्वत कहलाता है। जिन व्यक्तियों के हाथ में चंद्र पर्वत विकसित होता है वे कोमल, रसिक और भावुक स्वभाव के होते हैं। जिनके हाथों में पूर्ण उभरा हुआ होता है वे प्रकृति प्रिय होते हैं, सौंदर्य प्रिय होते हैं। वे ऐसे लोग, ये कहना चाहिए इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं, जैसे कहना चाहिए स्वप्न लोक में, इमेजिनेशन में ज़्यादा रहते हैं और उनके जीवन में कल्पना ही कल्पना होती है, उनको हमेशा ड्रीम्स में ही रहते हैं ऐसे पर्सन्स। और ऐसे पर्सन जो होते हैं छल कपट से दूर होते हैं, शांत होते हैं, और ये कहना चाहिए कि ऐसे लोग बहुत अच्छे कलाकार, संगीतज्ञ और साहित्यकार होते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जिनके पास ये संगीत, कला, साहित्यकार होते हैं, ये इन पर्सन का चंद्रमा एक तो बहुत अच्छा होता है, साथ में गुरु पर्वत बहुत अच्छा होता है। तो और इनमें के विचारों में एक तरह से कहना चाहिए रिलीजियस माइंडेड होते हैं, किसी के दबाव में आके कोई कार्य नहीं करते, स्वतंत्र स्वभाव के होते हैं। जिनके हाथों में चंद्र पर्वत का अभाव होता है, यानी कि कहना चाहिए दबा हुआ, फ्लैट होता है, ऐसे पर्सन कठोर हृदय के होते हैं, पूर्ण रूप से एक तरह से बहुत प्रैक्टिकल टाइप के होते हैं। उनके जीवन में युद्ध प्रधान टाइप के होते हैं, स्वभाव से लड़ाकू किस्म के होते हैं। और ये कहना चाहिए कि जिसके हाथ में बहुत अच्छे से डेवलप्ड होता है वो व्यक्ति कल्पनावादी होते हैं, प्रेम और सौंदर्य के उनकी जीवन की कमजोरी होती है, और छल कपट, जैसे कहना चाहिए कि जीवन में जो इतना छल कपट है, धोखेबाजी होती है, उन सब की से दूर होते हैं, लेकिन उन सबसे बहुत दुख पाते हैं ऐसे लोग। तो ऐसे लोग अगर, और साथ में अगर चंद्रमा जरूरत से ज़्यादा विकसित हो, अगर चंद्रमा जरूरत से ज़्यादा विकसित हो ऐसे व्यक्ति को पागल कर देता है ऐसे व्यक्ति में। लेकिन हाथ में ये साथ में मस्तिष्क रेखा भी देखनी चाहिए, मस्तिष्क रेखा अगर नीचे की ओर एकदम गिर जाए, चंद्र पर्वत पर गिर जाए, तो व्यक्ति पागल हो जाता है, उसको अपनी ओल्ड एज असाइलम में गुजारनी पड़ जाती है। अगर चंद्र पर्वत विकसित होकर हथेली की बाहर की ओर झुक जाए तो ऐसे व्यक्ति भोगी और कामी होते हैं, सुंदर स्त्रियों के पीछे व्यर्थ भागते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का ये कहना चाहिए भोग विलास, अय्याश, ऐसे किस्म के होते हैं।
और ऐसे व्यक्ति का अगर शुक्र पर्वत की ओर झुकाव हो, ये यानी कि ये जो चंद्र पर्वत है ये थोड़ा सा शुक्र पर्वत की ओर, इसका लाइंस तो नहीं, जैसे इसका अगर उभार जो है शुक्र पर्वत की ओर हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति में थोड़े कामुक किस्म के होते हैं और निर्लज भी होते हैं, वो थोड़ा सा समाज में बदनामी भी फेस करते हैं। अगर चंद्र पर्वत पर आड़ी तिरछी फैली रेखाएं हो, तो ऐसे व्यक्ति कई को ये कहना चाहिए कई बार जल यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रिप्स करते हैं। अगर चंद्र पर्वत पर गोल घेरा हो व्यक्ति, ये कहना चाहिए अपने काम की वजह से बहुत बार विदेश जाते हैं। गोले का मतलब है कि यहाँ उभार यहाँ ज्यादा हो, जैसे ये बहुत उभरा हुआ पोर्शन हो, तो इस तरह से अगर चंद्र पर्वत पर रेखाएं होना, फॉरेन ट्रिप्स के लिए ऐसे रेखाएं होना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कौन सी कंट्री आप विजिट करेंगे, और साथ में ये देखना चाहिए कि अगर चंद्र पर्वत सामान्य रूप से उभरा हुआ हो, तो वे व्यक्ति सुंदर होते हैं, समझदार होते हैं। और ये कहना चाहिए हाथ में जो चंद्र पर्वत का जो लिंक होता है, वो कल्पना प्रिय, सौंदर्य प्रिय, भावुक पर्सन दर्शाता है, कि चंद्र पर्वत अगर अच्छा उभरा हुआ है तो व्यक्ति की नेचर इस टाइप की होती है। अब चलते हैं हर्षल पर्वत की ओर। ये देखिए हर्षल पर्वत होता है कुछ इस तरह से, ये छोटे छोटे बाउंड्स होते हैं जिनको हमें ध्यान से समझना चाहिए इस तरह से। ये देखिए हर्षल पर्वत इस तरह से, ये जो हमारा मंगल पर्वत है उसके नीचे, ये तो हमारा मंगल पर्वत है और ये है हर्षल पर्वत। ये हर्षल पर्वत है, तो हर्षल पर्वत की अगर और हम देखें तो ये दूसरे ग्रहों की अपेक्षा ज्यादा बलवान और समर्थ होता है। हथेली में इसका क्षेत्र हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में माना जाता है। ये देखिए मस्तिष्क रेखा इस तरह से है, इस तरह से माना जाता है। इसको मस्तिष्क रेखा के नीचे नहीं, मस्तिष्क रेखा से ऊपर होता है, मस्तिष्क रेखा के नीचे आता है वो नेपच्यून होता है। ऐसे में ये समझना चाहिए कि ऐसे में ये जो ग्रह है इसका प्रभाव हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के ऊपर विशेष रूप से होता है। ऐसे व्यक्ति ये कहना चाहिए कि टेलीविजन, जटिल यंत्रों का निर्माण करना, ऐसे व्यक्ति इन चीजों में, या वैज्ञानिक, गणितज्ञ, इस टाइप के पर्सन बनते हैं। ऐसे व्यक्ति ये कहना चाहिए कि जिनके में ये पर्वत का उभार कम होता है, वे मशीनरी से संबंधित कार्य में रुचि लेते हैं। ऐसे व्यक्ति को इन्हीं जगह काम करके ही संतुष्टि मिलती है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि जो लोग इंजीनियरिंग करते हैं, जो जैसे अगर ये कहना चाहिए आईटी सेक्टर में, या फिर ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इस टाइप की इंजीनियरिंग जो पर्सन्स करते हैं, वो हर्षल पर्वत की वजह से ही करते हैं। उनके हाथ में हर्षल पर्वत का उभार बहुत अच्छा होता है। इस पर्वत पर त्रिकोण त्रिभुज का चिन्ह हो, चतुर्भुज का चिन्ह हो, तो व्यक्ति आश्चर्य रूप से प्रगति करता है अपने कार्यों में, एक तरह से इंटरनेशनल फेम तक पाता है। अगर हर्षल पर्वत का झुकाव बुद्ध पर्वत की ओर हो, तो ऐसे में व्यक्ति अपनी प्रतिभा का कई बार दुरुपयोग भी कर देता है, और एक तरह से अंतरराष्ट्रीय ठगिया लुटेरा भी हो जाता है, हृदय रोग से भी बराबर पीड़ित रहते हैं। अगर हर्षल पर्वत का नेपच्यून की ओर झुकाव हो, देखिए अगर ये नेपच्यून पर्वत जो मैंने बताया है, ये नेपच्यून इधर की ओर झुकाव हो, तो ऐसे में व्यक्ति को पूर्ण भोगी समझना चाहिए। व्यक्ति अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर भटकता रहता है जीवन, ये कहना चाहिए उसका गृहस्थ जीवन या मैरिड लाइफ बर्बाद भी हो जाती है, उसे अपनी फैमिली से कोई मोह नहीं रहता। अच्छा, अब चलते हैं हम नेपच्यून प्लैनेट की ओर। अब चलते हैं नेपच्यून माउंट की ओर। ये पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित होने के कारण इसका झुकाव पृथ्वी वासियों पर कम पड़ता है। इसका जो प्रभाव है, ये देखिए इस तरह से अगर हम देखें, यहाँ पर ये हमने ये मस्तिष्क रेखा है, और ये मस्तिष्क रेखा के नीचे इधर स्थित होता है ये ऐसे नेपच्यून प्लैनेट माउंट। तो इसमें क्या है कि हथेली की इस ये जो मस्तिष्क रेखा के नीचे और चंद्र पर्वत के ऊपर, ये देखिए चंद्र पर्वत जो हमने बताया था, ये चंद्र पर्वत के ऊपर और मस्तिष्क रेखा के नीचे होता है, ये अगर विशेष रूप से उभरा हुआ हो, तो व्यक्ति एक तरह से कवि, लेखक, संगीतज्ञ, इस टाइप से पर्सन बनता है, उसका इंटरेस्ट इन चीजों में होता है। अगर इस पर्वत पर एक रेखा दिखाई दे और ये रेखा आगे चल के भाग्य रेखा से मिल जाए, तो व्यक्ति जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचता है। देखिए ये हमारी भाग्य रेखा है, और इसमें से यहाँ से रेखा निकल के भाग्य रेखा में चली जाए, तो बहुत अच्छे पद पर पहुंचता है। अगर इसका झुकाव चंद्र पर्वत की ओर हो,
तो ऐसे में व्यक्ति अपने ये कहना चाहिए कि अपने स्तर से घटिया कार्य करता है, वो एक तरह से नैरो माइंडेड होता है, लो एक तरह से छोटी मानसिकता वाला पर्सन होता है, समाज विरोधी कार्य करता है। अगर नेपच्यून पर्वत से कोई रेखा उठकर मस्तिष्क रेखा को काट देती है, मस्तिष्क रेखा को जिस इस तरह से काट दे, तो ऐसे व्यक्ति में का ये समझना चाहिए कि काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, कोई ऐसा उसको झटका लगता है या कोई उसके साथ ऐसी मिसहैपनिंग होती है जिसकी वजह से वो परेशान रहता है। यदि पर्वत जड़ों से ज़्यादा उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का जीवन दुखमय पूर्ण होता है, उसका गृह जीवन बर्बाद हो जाता है, उसकी ऐसे व्यक्ति सनकी कहना चाहिए और बहुत शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं, क्रूर प्रवृत्ति के होते हैं। तो नेपच्यून पर्वत का विकास हर्षल से अगर मिल जाए तो ऐसे व्यक्ति निश्चय ही धन के लालच में किसी की हत्या भी कर देते हैं। ये देखिए हर्षल पर्वत यहाँ था, अगर ये पोर्शन जरा से ज्यादा उभरा हुआ हो, देखिए हमने अब तक जितनी भी चीजें पढ़ी, देखिए मंगल कहीं ना कहीं मंगल जो हमारा माउंट होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है, अगर ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ हो पोर्शन, तो व्यक्ति का गुस्सा तेज होता है और वो कहीं ना कहीं धन के लालच में या किसी अपने गुस्से के कारण दूसरे की हत्या तक कर देता है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्यों में लापरवाह होते हैं, कार्य होने के बाद पछताते भी हैं। अगर इस पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो पूरा जीवन गरीबी और निर्धनता में बीतता है, और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन की आवश्यकताओं को भरी प्रकार से पूरा नहीं कर पाते हैं। अब चलते हैं प्लूटो माउंट की ओर। देखिए प्लूटो माउंट होता है इस जगह पर, ये देखिए ये जो एरिया है ये है प्लूटो माउंट, ये देखिए इसे इंग्लिश में प्लूटो कहते हैं और हिंदी में इसको इंद्र कहते हैं, और ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में होता है, देखिए हृदय रेखा के नीचे और मस्तिष्क रेखा के ऊपर इस तरह से। और क्या होता है कि ये पर्वत भरी प्रकार से विकसित हो तो व्यक्ति का बुढ़ापा अपने आप में अत्यंत तो सुखी और सफल होता है, और इन व्यक्ति के जीवन में 42 यानी कि 42 वर्ष में आगे जाके सुख का अनुभव करने लगता है। एज और ये कहना चाहिए मरने से पहले सभी दृष्टियों से सुखी रहता है। यदि प्लूटो पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो उसकी ये कहना चाहिए कि मृत्यु या कोई दुर्घटना 45th ईयर में जाके हो जाती है। देखिए यहाँ पर इस तरह से क्रॉस हो, लेकिन ये हर जगह लागू नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी रेखाओं को काट रहा है। अगर ये क्रॉस ज़्यादा लंबा है और किसी तरह से कोई सफरिंग दे रहा है, जैसे बहुत से क्रॉस ये देखिए भाग्य रेखा पर इस तरह से आते हैं, तो वो इस तरह से मॉनिटरी नुकसान पहुंचाते हैं, फाइनेंशियली नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अगर ये क्रॉस इधर की तरफ हो, देखिए इस तरह से जीवन रेखा को काट रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी दे देते हैं। यदि पर्वत जरूरत से ज्यादा विकसित हो तो व्यक्ति असभ्य, मूर्ख, निरक्षर और ये कहना चाहिए कि कम पढ़ा लिखा होता है। जीवन की पग-पग कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जीवन में परिवार वालों का, मित्रों का किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं मिलता है, और अगर ये पर्वत अविकसित हो तो व्यक्ति भाग्यहीन माना जाता है। अब चलते हैं राहु पर्वत की ओर। राहु में हथेली का देखिए राहु होता है यहाँ पर, हथेली में इस पर्वत की स्थिति मस्तिष्क रेखा के नीचे, देखिए मस्तिष्क रेखा हमारी ये रही, देखिए मस्तिष्क रेखा ये रही, और मस्तिष्क रेखा के नीचे से चंद्र, मंगल और शुक्र से घिरा हुआ जो पार्ट होता है, देखिए चंद्रमा ये रहा और सॉरी मंगल ये रहा, चंद्रमा ये रहा और शुक्र, ये देखिए शुक्र हमारा ये रहा, ये इससे जो घिरा हुआ पार्ट होता है, ये देखिए भाग्य रेखा इस तरह से चलेगी, ये वाला पार्ट, ये हमारा राहु पोर्शन माना जाता है, इस पे आर लिख देते हैं, ये राहु पोर्शन माना जाता है। तो ऐसे में ये और इस पर से भाग्य रेखा होकर शनि पर्वत की ओर जाती है। राहु का क्षेत्र अगर हथेली पर अत्यंत पुष्ट हो, उन्नत हो, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही भाग्यवान होता है, और इस पर्वत से भाग्य रेखा स्पष्ट और गहरी होकर आगे बढ़े तो व्यक्ति जीवन में परोपकारी और प्रतिभावान होता है, धार्मिक कार्यों में उसकी रुचि होती है, सब प्रकार के सुख वह भोगता है। और हथेली पे भाग्य रेखा टूटी हुई हो और उस पर से राहु पर्वत विकसित हो, ऐसा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक ऊंचा उठ जाता है और उसका फिर लेकिन पतन हो जाता है। देखिए ऐसे में अगर भाग्य रेखा यहाँ पे कहीं टूट जाए, राहु के क्षेत्र में इस तरह कट आ रहा हो, तो वो बहुत ऊंचे पद से निकल कर नीचे गिर जाता है,
और फिर से जीवन में उसको शुरुआत करनी पड़ती है। यदि यह पर्वत अपने स्थान से हटके हथेली के मध्य की ओर सरक जाता है तो व्यक्ति यौवन काल में बहुत बुरे दिन देखने को मिलते हैं। यदि हथेली के बीच का हिस्सा गहरा हो और उस पर भाग्य रेखा टूटे हुए आगे बढ़े तो व्यक्ति यौवन काल में काफी परेशानियां फेस करता है, स्ट्रगल करता है। देखिए यहाँ पे अगर हिस्से में गहरा गड्ढा हो, जैसे हम ये हाथ में ये पोर्शन में गड्ढा हो, तो व्यक्ति को लाइफ में काफी स्ट्रगल करना पड़ता है। यदि राहु पर्वत कम उभरा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति चंचल स्वभाव का होता है और अपने हाथों से ही अपनी संपत्ति का नाश कर लेता है। अब चलते हैं केतु पर्वत की ओर। ये देखिए केतु, ये पोर्शन होता है केतु का, और यहाँ पे हम लिख देते हैं के। और हथेली में इस पर्वत का स्थान मणिबंध के ऊपर शुक्र और चंद्र के बीच में होता है, देखिए भाग्य रेखा के समीप। ये देखिए ये रहा हमारा चंद्र और ये रहा हमारा शुक्र पर्वत, इस तरह से उसके बीच में हमारा केतु। तो इस तरह से हम जानेंगे आगे कि भाग्य रेखा का प्रारंभ यहीं से होता है और इसका फल भी राहु के समान देखा गया है। ये ग्रह का प्रभाव जीवन में 5वें वर्ष से 20वें वर्ष तक होता है। यदि ये पर्वत स्वाभाविक रूप से अत्यंत उन्नत और पुष्ट होता है और भाग्य रेखा भी स्पष्ट हो, गहरी हो, तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। वह अपने जीवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग करता है। ऐसा बालक गरीब घर में भी जन्म लेकर आगे बढ़ता है और अमीर होता देखा गया है। यदि ये पर्वत काफी ज्यादा अस्वाभाविक रूप से उभरा हुआ हो, जैसे हम कहते हैं ओवर डेवलप्ड हो, भाग्य रेखा कमजोर हो, तो उसे बचपन में अधिक बुरे दिन देखने पड़ते हैं। उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। शिक्षा के लिए भी ऐसे बालक को, ऐसे पर्सन को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो रोगी भी होते हैं। अगर ये पर्वत अविकसित हो, यानी अंडर डेवलप्ड हो, भाग्य रेखा प्रबल हो, तो भी उसके जीवन में दरिद्रता नहीं मिटती, परेशानियां नहीं मिटती हैं। और यदि केतु पर्वत विकसित हो, यानी कि एक डेवलप्ड माउंट हो, तो साथ में भाग्य रेखा भी अच्छी हो, तो जीवन में पूर्ण उन्नति करता है। और ये जो हमें, जो भी हमने माउंट्स की बात करी है, इसमें हमें बहुत ध्यान से स्टडी करनी चाहिए। जब भी हम हैंड की स्टडी करते हैं, हमें देखना चाहिए कि माउंट डेवलप्ड है, ओवर डेवलप्ड है या अंडर डेवलप्ड है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तभी हम जो हैंड का एनालिसिस है वो फुल काम करता है, तभी जो एक्यूरेसी आती है जो भी रीडिंग में, वो इस तभी आ पाती है। अगर हमने, जैसे ये शुक्र, अगर हम इस हैंड में देखें, शुक्र पर्वत काफ़ी अच्छा डेवलप्ड है, तो इसको हम बोलेंगे डेवलप्ड माउंट, इसको हम कहेंगे विकसित पर्वत, इसको हम ओवर विकसित नहीं कहेंगे। अगर ये बहुत ज़्यादा उभरा हुआ होता तो हम उसे ओवर विकसित कहते, ये कहना चाहिए कि ओवर डेवलप्ड कहते हैं हम इसे। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। अच्छा सोचें, अच्छे कर्म करें, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा।